अंडरटेकर वो कंकाल देख रहा है, वो इंसान है, हड्डी समझ के खा मत दे, थोड़ा आगे आने दे। दौरो सिंह बोहरा, रुक, कंट्रोल कंट्रोल, आ गया सर, ड्यूटी पे लोग जाओ, जोर से बोलो ना, बह रहा हूँ। ओए बोहरा, उस मोटे को उठा और खुद को बिठा जाओ। हां बॉस, ये कौन है जिसका माइक्रोफोन खराब हो गया? जा 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 जा, चलो उठो, तुम्हारा चुपटे, अरे लेकिन कल को चल भागना। जेम्स बॉन्ड, बको ना बॉस, आज तुम्हारी लॉटरी लगने वाली, एकदम ढिंचक जगह ले जा रहा है, आओ सीट गरम करो। तो कैसा लगा? ये मैरिज हॉल के पास कई को लेके आ गए? अरे पोंडू, ये हॉल नहीं मॉल है, शॉपिंग करना है तो खुद चले जाओ ना, मेरे को क्या साथ में लेके आ गए? चौ भी घुमाओ, थोड़ा औकल लगाओ, ये शॉपिंग मॉल है, जलपरी से दूर कर रहा है नौकरी। आखिर लॉइन पे आ गया ना, ये वही जगह है जहाँ के लात घूंसे खा के मैं शक्तिमान बना। अगर मेरी ही तरह गाली खोएगा, खून बहेगा, तो एक दिन प्रमोशन जरूर पाएगा। बकवास मत कर, नहीं तो तेरी हड्डियां अंडरटेकर को खिला दूंगा, बहुत दिन का भूखा है, चबा चबा के खाएगा अच्छे से, चल जाए ऐसे। अरे पांडू पांडू पांडू, अब क्या हुआ? जिंदगी में पहली बार तेरे जैसा कौला चौकीदार मुझे मिला है, मत जा। नहीं माने, मैं 100 बार बाथरूम जाता हूँ। अरे तू दिन भर बाथरूम में ही बैठे रहना, और हाँ डायबिटीज है, बार बार भूख लगती है। उसका चौथा माला पे किचन हो, कड़ाही में ही मुंह घुसा लेना। ये तो बहुत चालू मन लगता है, इसको सिंपल समझा था। हो गया लाइन पे, हो गया। हाँ, ये जो अंडरटेकर है ना, बिल्कुल मेरे भाई जैसा है, बचपन से लेके आज तक हम दोनों ने एक ही थाली में खाना खाया है। अब अगर तूने अंडरटेकर को काम पे रख लिया ना, तो मैं भी रुक जाऊंगा। पर मॉल में डॉगी ले जाना अलाउड नहीं है पंडू, जब तेरे जैसे चिपकली अलाउड है तो फिर ये प्यारा कुत्ता क्यों नहीं? जा, मैं तेरे जॉब को लात मारता हूँ, जा, नहीं चाहिए तेरी नौकरी। सुनो तो, तेरे पैर पड़ता हूँ, प्लीज ये ड्यूटी कर ले, मैं तेरी पगार डबल कर दूंगा। तू बड़ी बड़ी फेंक तो नहीं रहा है ना? तेरी कसम। और मेरे इस भाई का क्या, जिस हाथ से खाने का निवाला मेरे पेट में जाता है, वो हाथ तो इसके पास है ना शक्तिमान। मैं तो इस मॉल में एसी की हवा खा सकता हूँ, लेकिन इस बेचारे का क्या, गली गली भटकेगा, किसी गटर में जाके मुंह काला कर लेगा। जब ये जानवर होके त्याग और बलिदान दे सकता है, तो हम इंसान होके दोस्ती नहीं निभा सकते। चल अंडरटेकर। तुम मिल्खा की तरह भाग रहा है। मैडम, hey, स्वागत है। Nice to see you, Sharma जी। Please, how are you? मेरी तो निकल पड़ी। अब मिल्खा जी, आप उसको कैसे जानते हो? तुम्हारा मतलब है वो फ्रेंडी? वो मार्गरेट है, अमेरिका से आई है, बचपन से हम लोग क्लोज फ्रेंड्स हैं। ये बचपन सपने में आया था? अरे मजाक मत कर, हफ्ते में 3.5 बार आती है मुझसे मिलने। क्या है कि वो योगा क्लासेस करती है आके। सर यहाँ बॉडीगार्ड नहीं रहते क्या? उसको बॉडीगार्ड से एलर्जी है। When I coming, bodyguards going, उसका दिल सिर्फ मेरे लिए बेकार है, क्योंकि उसे मुझसे प्यार है, अकेला बॉडी का गार्ड। सर आप सच कर रहे हो? मैं तेरे मुंह में पेट की कलम खा के कहता हूँ कि जो बोलूंगा सच बोलूंगा। सॉरी शक्तिमान सर। ये बोलचे, तुम तो जॉब छोड़ के जाने वाला था ना? अरे नहीं सर, YouTube पे आपके शक्तिमान सीरियल देखी, उसको देखने के बाद तो मेरी आंखें ही खुल गई। अब जाके मैं चौकीदार की कीमत समझाऊं। पर ये कुत्ता तुम्हारे साथ मॉल में नहीं जा सकता पंडू। सर गली का कुत्ता है, गली में ही छोड़ दूंगा, बस एक बार हाँ तो कहिए। ठीक है, पर इसके बिना तुम खाना कैसे खाएगा? अरे क्या सर, भगवान ने सिर्फ इसको हाथ थोड़ी दिए हैं, मुझे भी तो 2 हाथ दिए हैं ना। सर जॉब पे रख लो ना सर। लेकिन गोली के गोटर में गिर के काला हो जाएगा तो? काला हो जाने दो ना सर, काहे को इसके पीछे पानी बर्बाद करने का। आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ सर, मुझे काम पे रख लो ना। ओके ओके, मेरा पीछा छोड़, जा जॉइन कर। थैंक यू शक्तिमान सर। हाँ बहुत अच्छा था। मॉल में घुसने के 5 रास्ते हैं, बेसमेंट, पार्किंग, एंट्री, एग्जिट, बाकी 3 नॉर्थ, साउथ और ईस्ट फेसिंग है, और हर तरफ मेटल डिटेक्टर्स होंगे। अच्छा, और सिक्योरिटी? वो नमूने कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। अपने आप को फौलाद बना के रख, हालांकि तू वो कल बांबू की छठी औलाद है। अबे बोल गेंडे मुंह खोल। बोलने दो तो बोलूंगा ना, मेरा थोबड़ा देख के लोग तो वैसे ही डर जाते हैं, तो बोलने की क्या जरूरत है? इस मॉल के ब्रह्मांड में टोटल 8 फ्लोर। ओके, टेरेस पे 2 एंट्रीज होंगे, उन पे कब्जा करना होगा। सर्वेलेंस कैमरास की टेंशन नहीं है त्यागू, 2 मिनट में हैक कर दूंगा। क्या बक रहे हो यार, पुलिस डिपार्टमेंट के अपने एथिकल हैकर्स हमारे ड्रोन कैमरास को हैक करके हमारा लाइव टेलीकास्ट दिखा देंगे। बकवास कर रहे हैं। हम मॉल के कैमरास यूज नहीं करेंगे।
क्यों चाचा सास-सास चले हुए या मर गए? टीवी मत देखो, टीवी हो जाएगी। ये यहाँ का कंट्रोल रूम है गेंडे। ओ, कंट्रोल रूम। बड़े मियाँ की नजर इन सब टीवियों पे है। जब तक इनकी सास चलेगी हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी बड़े मियाँ से। ये वही बड़े मियाँ है तो और कौन? सर आप तो उस मूवी में एकदम छा गए सर, बहुत अच्छा किया आपने। अबे उस पिक्चर में ये एक्टर नहीं सिक्योरिटी के इंचार्ज थे। तो पहले ही बताना चाहिए था ना, खाली फोन हाथ मिला लिया। ये ले। ये क्या है? क्या है ये? वॉकी टॉकी। ये चलते हाँ। चलते बोलेगा और आपस में बातें करवाएगा। फोन जैसा है क्या? यस। चालू करता हूँ। हम लोग चैनल 8 पे आपस में बात कर लेंगे। तुम्हें लगता है 3 घंटे में सरकार इतने पैसे अरेंज कर पाएगी? सरकार से कौन पैसे मांगने वाला है? प्लान मॉल में एग्जीक्यूट करेंगे। हम मॉल का कोना कोना जानते हैं, कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। आइंदा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। एक ऐसा कोना है जिसके कोने कोने तक किसी को खबर नहीं। ए मिल्खा सिंह देख कितना गोरा है, काश मैं भी ऐसा गोरा होता। डबल। अब मैं तुझे बताऊंगा अली बाबा की बिना 40 चोर वाली गुफा। किधर है? इधर है, है? फॉलो मी। यबा बोबा। वेलकम टू कंगालों का दौलत खाना। ए मिल्खा, सुना था दुनिया गोले पर, आज तो देख भी लिया। यहाँ पे काम ज्यादा और जगह कम है, इसलिए इस चटाई और तकिए में दम है। अच्छा तो यही होगा कि मैं कब्रिस्तान में जाके सो जाऊं। बंद है और सोने के लिए मुर्दों से भी फीस ली जाती है, इसलिए ये बनाया। समझ में आया भाया? वैसे तो ढूंढ क्या रहा है गेंडे? तुम्हारी खोली है ना, तो बीवी बच्चों के कमरे कहाँ है? कोई दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ गए सब लोग? मुझ बूढ़े का ख्याल मेरे बच्चे नहीं रखते, इसलिए उनसे दूर रहने के लिए सिक्योरिटी गार्ड बन गया। दारू भी है? दारू नहीं दवा है ये। ये मॉल मेरा घर है और यहाँ आने वाले मेरे बच्चों की तरह इन सबको मैं अपना समझता हूँ। एक बात बोलूं मिल्खा? गेंडा वाल, तू तो जानता ही होगा कि गेंडा बहुत ही जोर से लात मारता है। क्या? तो तेरे से एक रिक्वेस्ट है, आज के बाद कभी भी मुझे गेंडा मल के नाम से मत बुलाना। क्यों नहीं बुलाऊं? गेंडे की तरह लात मारूंगा ना तो मॉल के बाहर वड़ा पाव वाले के कढ़ाई में जाके गिरेगा। मेरा गुस्सा बहुत खराब है। अरे गेंडे को गेंडा नहीं कहूं तो और क्या कह के बुलाऊं? मुंह नोच मेरा। जानता है मिल्खा, सिक्योरिटी की अपनी इम्पोर्टेंस होती है, फिर चाहे देश के बाहर हो या देश के अंदर। इतिहास गवाह है कि जहाँ जहाँ भी दुश्मन होता है चौकीदार वहाँ पहुँच जाता है। तो होशियार, आई एम बैक। और आगे जाएगा तो बैकलेस हो जाएगा। ज्यादा बोलेगा तो कॉर्डलेस फेंक के मारूंगा। सबर नहीं कर सकता है? हाँ, कल शाम को आते आते इतना लेट हो गई शराब। अरे मिल्खा, जलपरी को पास से देख के सब्र नहीं होता है। फिक्र मत कर बांगड़ू, सब्र का फल मीठा ही होता है। What happened? Please talk to me. Somebody call the doctor, please. क्या हो गया? मर गई क्या? जल्दी बता क्या हुआ। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। रात को इन्होंने बहुत ज्यादा पी ली थी, जिससे इनका ब्लड पाव किलो बढ़ गया और ये गिर गई। लेकिन वो पाव किलो ब्लड मैं कम कर देता हूँ। स्ट्रॉल आ रहे। ए मिल्खा, चल एटीएम कार्ड दे। कंगाल पति के पास एटीएम कार्ड? तो आधार कार्ड तो होगा ना। दे। वो है, ये ले। इससे पेशेंट ठीक होगा। अब देख मेरा कमाल, हाल तो जलाल तो। अनार जूस। वोडका के साथ साथ गटर छापी डाल के पीने लगता है। चलो उठ जा। थैंक यू सो मच। यस। तुम क्या मेरी ग्रैंड डॉटर से शादी करोगे? अरे प्लीज कुछ बोलो। थैंक यू सो मच। यूएस में तुम्हारा खुद का घर है? नो। तो इतना पास में आके क्यों बोल रही हो? कोरोना वायरस हो गया तो क्या करूंगा? अभी चुपचाप घर पे जाके सो जाओ। शादी कर लो। फ्लैश फॉरवर्ड खत्म। आधा घंटा पहले चले गए वो लोग और तू अभी तक हाथ जोड़ के भीख मांग रहा है। आधा घंटा पहले चले गए? हाँ बिल्कुल। ए, मिल्खा, लगता है पड़ोसी के घर पे बच्चा हुआ है, ताली बजाने की आवाज आ रही है। इंडिया ना डाउन था, ना है, ना रहेगा। इंडिया टॉप पे है और डाउन तुझे हम करेंगे। कुछ साल पहले कुछ गोरों ने ऐसा ही कहा था, उनको उनकी औकात बता दी और तुझे भी हम बताएंगे। मतलब मेरा दोस्त पांडुरंग आ गया। पांडु आ गया। पांडु?
चल खड़ा हो जा। अपने देश की बुराई में सह नहीं सकता क्योंकि भारत मेरे दिल में है। ये। 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 लेकिन अमेरिका हमारा मेहमान है, इसलिए अमेरिका से भी हमें प्यार है। खुश हो गई। ये मिल्का है, जलपरी एक कप पानी मांग रही है। अरे तू देख जा रहा है, पकड़ ले कप को, पकड़। अरे कितना बड़ा पनौती है यार, जानता है जलपरी सपने में आई थी, आगे से कभी हिला के जगाया ना तो तेरा मुंह छोड़ के हाथ में दे दूंगा। अबे सपने देखने का भी टाइम होता है बे, सिचुएशन देख के। अरे कौन भाग रहा है? कार्ड डिटेल्स आ गई हैं। उसको बोल पैसे निकालने के बाद बैग को वहीं कहीं फेंक दे। ए, पकड़ा गया। हीरो आ गया है, चला फटाफट फाइट कर लेते हैं। अरे गर्दन, अरे अकड़ गई। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। Hey baby, good boy. इसके दिल के प्यार वाली खिड़की खुलने के चक्कर में मेरा गला खिड़की में खस के रह गया। How are you doing? Hey, मिलका, मैं बोलता हूँ तो उसके कान में जू तक नहीं रहती और उसे हाथ मिला रहा है फटाफट। मजे ले रहा है। इसका ट्रेनर कौन है? शक्तिमान सिक्योरिटी सर्विस का कुत्ता है, तो और कौन ट्रेन करेगा? इसका ट्रेनर सामने है। Hey, क्या हुआ बेबी? Any problem? Hey, अगर तूने मेरा भांडा फोड़ा ना तो कुत्ता पकड़ने वाली गाड़ी में तुझे बुक करवा के यहाँ से रफू चक्कर करवा दूंगा, समझा क्या? अरे तो हमको डराता है, ये तो मेरी तरफ इशारा कर रहा है। आजा मेरे लाल, आजा, चल आजा, 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 चल। अरे पैसा बोलूं तो डांटता है और गोरी के साथ हाथ मिलाता है। Hey Pandu, how are you? Fine. तुम्हारा डॉग इंटेलिजेंट है, तुम एक अच्छा ट्रेनर हो। Yeah, मैं ही इसका ट्रेनर हूँ, मैंने ही इसको सिखाया। That's so sweet of you. Welcome. Bye. सब समझ रहा हूँ, गोरी के प्यार में तेरा दिल गोल्डन गोल्डन हो रहा है। ए मिलका, बोल। बैंड बाजा भारत का इंतजाम कर ले। अरे बाय। लड़की हसी मतलब फसी। सामने बैठी है पर मोबाइल में देख रही है। अकेला ही ठूस रहा है, उसको भी खिला। थैंक यू। कोई बात नहीं। ए पांडू। हाँ। अरे बोल दे रे। मैं नहीं बोलूंगा, नहीं तो चार बॉडीगार्ड से पिटवाएगी। डरने की जरूरत नहीं है, तो फिर उठा और भक्कस से बोल दे। ए, मैं प्यार की बात कर रहा हूँ और तू भक्कस से थूकने की बात कर रही है, दिमाग खराब हो गया क्या? तू नहीं बोला ना तो अब मैं बोल दूंगी उसको। जा बोल दे, जा देखता हूँ। एक्सक्यूज मी, किस बारे में बात कर रहे? पूछ रहा है मेरे बच्चों की माँ बनेगी क्या? ये बातें उसके पल्ले नहीं पड़ने वाली है। सॉरी माजी, मैं कुछ समझी नहीं। पूंगी मुंह बंद करने तो उसको फेंके मारूंगा। पांडू वांट टू मैरी यू? रियली? लगता है इस गोटी की लंगोटी ढीली करनी पड़ेगी। ये मजाक है ना? प्यार में भी कोई मजाक होता है क्या? सीधा सीधा बोलता हूँ, आई लव यू, तुम अपना देख लो। तुम सीरियस हो? आई एम सॉरी पांडू, इट्स नॉट गोना हैपन। पर क्यों? मैं काला हूँ इसलिए क्या, या मेरे बाल घोंसले जैसे हैं इसलिए? कुछ तो बात होगी, तुम लड़कियों के पास तो रिश्ते तोड़ने के हजार बहाने होते हैं। ऐसी बात नहीं है पांडू। ये देखो, ये मेरे पेरेंट्स हैं। ये तुम्हारे पापा है? हाँ। वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम में मैंने ऐसे बहुत सारे खिलाड़ियों को देखा है ना ग्रैनी? देखा है? आई लव यू सेम है ना? I like you so much, Pandu. पर मैं इंडियन से शादी नहीं कर सकती। आई होप आप दोनों मेरी मजबूरी समझ सकते हो। मैं इंडिया में ज्यादा दिन नहीं रह सकती, मुझे जाना ही होगा। एंड आई लव माई जॉब। मैम आई एम गेटिंग लेट, हैव टू गो। सर दादी मैं चलती हूँ।